वीडियो मैंने देख लिया है यूट्यूब में बूदी का रहता कैसे बनाते हैं करके, और मैं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रश्मि जोशी पिथौरागढ़ से। तो करते हैं फिर से नेरिन के साथ एक और नए ब्लॉग की शुरुआत, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज ऑफिस में से। अभी दिन के 1 बजे है, मैं अभी पतंजलि स्टोर में जा रही थी। मैंने सोचा पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ पतंजलि स्टोर में, क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ सामान लेने हैं जो मेरे ख़त्म हो चुके हैं। और आज हमारे गाँव में से लाने वाले हैं गम्हारा, मतलब हमारे गांव में 2 गम्हारा आती है। एक मैंने जो दिखा रखी है ब्लॉग पे वो हमारे साइड की है, एक दूसरी है जो परवटी साइड में आती है। गांव एक है लेकिन गम्हारा 2 आती है। तो आज हमारे साइड की जो गम्हारा है उसे सिलाने वाले हैं, और अगर मैं ऑफिस से जल्दी चले गई तो दिखाऊंगी कैसे गम्हारा सिलाते हैं और कैसे उसकी पूजा होती है। और मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में दिखा रखा था, बहुत सारे ना दाड़िम थे जो मंदिर में ले जाएंगे उन्हें फटकेंगे, और उसमें से जो दाड़िम जिसको मिल गया या कोई भी फल मिल गया, फूल वगैरह जो भी मिल गया, उसे लक्की समझते हैं। तो जल्दी से चलते हैं पतंजलि स्टोर में, वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदनी है, शॉपिंग कर लेते हैं अपनी, फिर मिलते हैं आगे ब्लॉग पे। तो दगड़ियों थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ले ली हैं, और थोड़ी बहुत चीज़ें अभी मैं ढूंढ रही हूँ जो मुझे मिली नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं मेरी खाने वाली हैं, और जल्दी से ढूंढ लेते हैं और चीज़ें भी। गड़ियों आज मेरे टिफ़िन में मम्मी ने डाले हुए हैं बिरूड़े, ये पहले मंदिर में चढ़ाए थे, इसके बाद आज मम्मी ने बनाए हुए हैं घर पर। और साथ में है एक रोटी और चटनी। रोटी तो मैं नहीं खा रही हूँ, बस चटनी बिरूड़े के ऊपर डाल के मिक्स करके खा लूँगी। और अभी ऑफिस में कोई नहीं है, सर लोग कोर्ट से आए नहीं हैं, तो जल्दी से कर लेते हैं अपना खाना। तो दगड़ियों मैं भी घर की ओर को निकल गई हूँ। पहले मैं स्कूटी लाने वाली थी, फिर बारिश ना बहुत ज़्यादा आने लग गई और मौसम भी ख़राब हो गया, इसलिए मैं स्कूटी नहीं लाई। और सर को भी कल मॉर्निंग के टाइम पे हाई कोर्ट पहुँचा था, और सर भी इसी टाइम पे जा रहे थे हल्द्वानी की ओर को, तो सर ने बोला मैं भी जा रहा हूँ और तुझे भी छोड़ दूंगा रस्ते पर, इसलिए मैं सर के साथ आ गई जल्दी से। अब मुझे गम्हारा में भी जाना है, पता नहीं गम्हारा सिला दी है या नहीं। तो गाइस जस्ट मैं पहुँची हूँ और गम्हारा भी गाँव में पहुँचने वाली है, दौड़ दौड़ के जा रही हूँ मैं। यार सही टाइम पे पहुंची मैं। गाइस मैं सही टाइम पे पहुंची, ठीक जा ही रही हूँ घर को, गोदा डाल के आऊंगी। नमस्ते सबको, है अभी दे दूंगी, आते टाइम आना वहीं पे। मामी नमस्ते, हाँ हाँ चलती हूँ अभी मैं कपड़े चेंज कर। हाँ नमस्ते है, अरे बंद तो रहे, नमस्ते तेरी, नमस्ते जाओ। गाइस आज यहाँ से गौरा और महेशा चले गए हैं मंदिर पे, क्योंकि आज उनकी विदाई हो गई है। और मैं थोड़ी सा ना लेट हो गई घर पहुंचने पे, जस्ट मैं रोड में पहुंची हुई थी और उसी टाइम गम्हारा भी निकल ही रही थी घर से। तो अब जल्दी से चलते हैं ऊपर आंगन पे, और यहाँ पर इनको रखा था, यहाँ पर पूजा की होगी जिस टाइम ले जाते हैं। तो दगड़ियों मैं भी चल रही हूँ अब ऊपर मंदिर की ओर को, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, बस मुँह हाथ धोया और जा रही हूँ मंदिर को। मैं पूजा हुई थी अभी, मैंने दिखाई दिया था, अब हो रही है ऊपर वाले आंगन पे, यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है। और देखो हल्की फुल्की ना बारिश भी आ रही है, जिस टाइम ना गौरा माँ की विदाई होती है उस टाइम पे ना बारिश आती है, ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम पे गौरा माँ रो रही होती है, उनकी विदाई हो रही होती है ना, इसलिए
वो फल फिंगी, क्या बोलते हैं, फल 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 फिंगी, ये लेके तो दगड़ियों गौरा मैया और महेश्वर को मंदिर के पीछे लेके आ गए हैं और इसके बाद इनको यहीं रख के जाएंगे, मतलब यहीं सुला के जाएंगे। उससे पहले जो चुनरी है, मुकुट है, माला है, सारी चीज़ें खोलेंगे और लास्ट पे एक वस्त्र गौरा मैया के लिए और एक वस्त्र महेश्वर के लिए छोड़ के जाते हैं। वो हर साल का नियम होता है, जब भी हमने गमाला सलानी होती है, वहीं स्थापित करनी होती है, उनके लिए एक वस्त्र छोड़ना पड़ता है गौरा मैया के लिए भी और महेश्वर के लिए भी। उसके बाद हम उसे मंदिर के पीछे महेश्वर को और गौरा मैया को अच्छे से रख सकते हैं, लेकिन उसमें एक वस्त्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं तो जाने लग गई हूँ घर को, क्योंकि मैं ऑफिस से सीधे यहीं आई, हाथ मुँह धोया ना, मैंने पानी पिया ना चाय पी, सीधे दौड़ लगा दी यहाँ को। मेरे को पानी प्यास लगी है बहुत ज़्यादा, कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ और पानी वगैरह पीती हूँ घर जाके सबसे पहले। शाम पड़ते ही बारिश भी आ गई है, सभी लोग जैसे ही गमाले से लाए थे उसके बाद घर को आए थे, एक दो खेल लगाए होते, तुरंत बारिश आ गई, क्योंकि ऐसा बोला जाता है जब गमाले को सला रहे होते ना तब बारिश बहुत ज़रूरी होती है आनी, और आ भी गई है बहुत ज़्यादा। तो दगड़ियों अभी मैं किचन पर आई हुई हूँ, मैं थोड़ी देर ना सो गई जैसे गमाड़ से आई और मैंने चाय बनाई, चाय पी, उसके बाद थोड़ी देर ना मेरे सर में इतनी दर्द हो गई ना बीच वाले पे, फिर वैसे ही मुझे नींद आ गई, अभी उठ के आई हूँ जस्ट मैं। फिर मैंने जो आज पतंजलि से थोड़ी बहुत शॉपिंग की हुई थी, सामान वगैरह खरीदा हुआ था तो सामान वगैरह सेट किया, उसके बाद एक चीज़ ये लेके आई थी मैं वहाँ से पतंजलि से, बूंदी का रायता, ये जो बनाते हैं, खा तो मैंने रखा है लेकिन बना कभी नहीं रखा है, पहले अब मैं यूट्यूब में देखूंगी कि इसको बनाते कैसे है, फिर जाके इसका मैं रायता बनाऊंगी। तो पहले मैं उसे सर्च कर लेती हूँ, क्योंकि आज तक ना कभी भी हमने ऐसी बूंदी बूंदी का कुछ नहीं खा रखा है। आजकल ही मैं ऐसी चीज़ें लेके आ रही हूँ, मैं सबने जैसे घर पे लग जाते हैं खीरे ककड़ी अकड़ी, इन चीज़ों का रायता खा रखा है, इन चीज़ों को मैं ये सच बताऊँ मैंने एक किस्में देखा हुआ था खाते हुए, पवन पहाड़ी नहीं है जो पवनदा है, उनकी ब्लॉग में देखा हुआ था, वो शाम के टाइम में रोज़ ये बूंदी का रायता खाते ना जब घर पर आते हैं, तो मुझे भी एक बार ट्राई करना था, इसलिए मैं लेके आई थी।
घर का बनाया हुआ। इससे पहले मैंने खा रखा है, एक दो बार ही खा रखा है, वो भी बस ज़्यादा नहीं खा रखा है। तो दगड़ियों मैंने देख लिया है यूट्यूब में, बूदी का रहता कैसे बनाते हैं करके, और मेरे घर वाले बोलते हैं, मेरी मम्मी बोलती है तो सब कुछ जानती है बनाना खाना वगैरह, मतलब चटपटा बनाती है, बट मम्मी को पता नहीं है उसका राज क्या है। मैं यूट्यूब ऑन कर लेती हूँ, उसके बाद उसमें देखती हूँ, फिर जाके मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ। वैसे मुझे नहीं आती कि कौन सी चीज़ में क्या कैसे करना पड़ता है करके, पहले मैं यूट्यूब ऑन करती हूँ, फिर उसमें सर्च करती हूँ, कुछ भी चीज़ बनानी होती है फिर जाके मैं वो चीज़ बना दी। ऐसे ही बूदी के रहते के लिए भी इसको थोड़ी देर मतलब 15-20 मिनट हल्के से गुनगुने पानी पे भिगोना पड़ता है, फिर दही वगैरह जो है उसमें इसको मिक्स करना पड़ता है, और जो जो चीज़ डालना चाहते हो मसाला वगैरह जो जो होता है वो सब डालना पड़ता है, उसके बाद रहता बन जाता है। बस इतना सिंपल था, जैसे मैं सोच ही रही थी इस टाइप से बनता होगा ये करके, क्योंकि अभी सॉफ्ट है नहीं, इसको पानी में भिगाना ही पड़ता होगा। तो इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर से मिलती हूँ मैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।